में हुए घोटाले की जांच के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम आज लखनऊ पहुंची। जांच करने के बाद टीम केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को रिपोर्ट देगी। बोर्ड के दफ्तर में ही मौजूद हैं। यहाँ पर CWC की टीम मौजूद है अंदर और लगातार जांच का सिलसिला जारी है। दरअसल ये टीम जो आई है ये कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित मामलों की जांच करके और केंद्रीय मंत्रालय को अल्पसंख्यक मंत्रालय उसको सौंपेगी और अगर आरोप तय हो पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बयानात पहले भी उत्तर प्रदेश वक्फ मंत्री मोहसिन रजा और मौलाना कल्बे जवाद सहित तमाम लोग दे चुके हैं कि दोनों वक्फ बोर्ड में घोटाले सामने आए हैं, तमाम घोटाले हुए हैं, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि CWC की टीम आज यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है और सुन्नी वक्फ बोर्ड में फिलहाल टीम मौजूद है और यहां पे जांच का सिलसिला जारी है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो CWC की टीम है उसको कहीं ना कहीं खामियां भी यहां पर नजर आई हैं। अब ऐसी सूरत में अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को यहां से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कानपुर से अगली खबर है जहां पर युवती से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में गैंगरेप किया गया है। होटल में बर्थडे पार्टी में गैंगरेप की घटना सामने